हाय गाइस, गुड मॉर्निंग बोलो या गुड नाइट बोलो मुझे पता नहीं अभी क्या बोलना चाहिए, पर अभी रात के 2:30 बज रहा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग बोलो या गुड नाइट बोलो मुझे पता नहीं अभी क्या बोलना चाहिए, पर अभी रात के 2:30 बज रहा है। फरवरी महीने के आज 10 तारीख हो गया है। 11 फरवरी रात के 2:30 बजे इतना कोहरा, वो भी बंगाल में, इट्स अनएक्सपेक्टेड। इस समय इतना कोहरा आप देख सकते हैं, इतना कोहरा है। और एज यूजुअल हमारा शिपमेंट आधी रात को ही आता है, तो आज इस साल का सबसे बड़ा शिपमेंट आ चुका है। आप देखिए गाड़ी का, मैंने लाइट ऑन करने के लिए बोला, किस लेवल का कोहरा है। ये कोहरा पहाड़ में दिखाई देता है, पहाड़ में समझ आता है, दूर से गाड़ी भी आ रहा है। आप देखिए इतना कोहरा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस तरह का कोहरा पहाड़ में समझ आता है, पहाड़ में दिखाई देता है, लेकिन बंगाल में ग्राउंड लेवल में इस तरह का कोहरा। आज मैंने जैसा बोला आपको कि इस साल का सबसे बड़ा शिपमेंट और सबसे एक्सक्लूसिव शिपमेंट, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आधी रात को भी मेरा काफ़ी आज माइग्रेन पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आप आइए, ये अनलोड हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीस्केप्स। नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज फरवरी महीने है। आज हमारा जो शिपमेंट आया हुआ है, ये इस साल का 2022 का वन ऑफ द लार्जेस्ट शिपमेंट है। और इतना 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 ज़्यादा इम्पोर्टेड वैरायटी फिशेस है, इतना ज़्यादा फिशेस है कि आप हैरान रह जाओगे। आपने सीस्केप्स में बहुत कम ही इतने बड़े बड़े शिपमेंट देखे हैं, तो हालांकि हम बड़े बड़े शिपमेंट तो ज़रूर करते हैं हर 2-3 महीना बाद, तो ये फरवरी के महीने में अभी का जो शिपमेंट है, ये शिपमेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट शिपमेंट है। यहाँ पर बहुत एक्जॉटिक वैरायटी फिशेस है, बहुत एक्सेप्शनल वैरायटी फिशेस है, और बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वांटिटी के हैं। और आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वांटिटी के फिशेस और किस तरह के क्वालिटी फिशेस हम लाते हैं। तो मैं आज कोशिश करूंगा आपको पूरे एनर्जी के साथ ये अंत तक ये वीडियो दिखाने के लिए। आज मैं ऑनेस्टली ये कन्फेस करना चाहता हूँ, मेरा एनर्जी लेवल आज काफी लो है, क्योंकि आज एक्सट्रीमली मेरा माइग्रेन का पेन हो रहा है। मैं इनफैक्ट पेन किलर खा के आ जाया हूँ, लेकिन ये शूट करने के लिए नहीं, लेकिन हमारा जो शिपमेंट आया है, आई हैव टू बी हियर। मुझे
मैं चाहूँ तो भी आज सो नहीं पाऊंगा क्योंकि शिपमेंट आया हुआ है, मुझे मछली के लिए इतने सारे फिशेस आए हैं, तो उनके लिए मुझे किसी भी तरह दवाई खा के हो, पेन किलर खाते हो, मुझे एनर्जी लेवल मेंटेन करना ही पड़ेगा उन्हें ठीक तरह से रखने के लिए, ड्रिपिंग करने के लिए। सो अगर आज वीडियो में कोई भूल चूक हो जाए तो थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा, बिकॉज टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कानपुर से आने के बाद एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं पूरी तरह से 8 घंटे का स्लीप ले पाया हूँ। कंटिन्यूसली हमारा बहुत सारा पेंडिंग वर्क था, शिपमेंट था, अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट है, उनका कुछ काम है, बहुत सारा बैकलॉग का वर्क रहता है, तो एक्सट्रीम वर्क प्रेशर में, थैंकफुल टू गॉड एंड थैंक्स टू यू, वर्क प्रेशर में काफ़ी एग्जॉस्टेड भी है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, आज का जो पॉइंट है उसमें हम फोकस करते हैं। आज का जो हमारा शिपमेंट है, ये शिपमेंट इतने सारे फिशेस है कि हम एक साथ सारे फिशेस को ड्रिप नहीं कर पाएंगे। यस, एक साथ हम सारे फिशेस को ड्रिपिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ये पार्ट बाई पार्ट ड्रिपिंग करेंगे, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में ड्रिप करेंगे और सारे फिशेस को हम आपको दिखाएंगे। आज हमारे शोरूम में मतलब ये वीडियो जैसे ही लॉन्च होगा, वीडियो देखने के बाद आप जब हमारे शोरूम में आओगे, हमारे शोरूम के एक भी टैंक आपको खाली नहीं मिलेगा और एक भी टैंक में कम मछली नहीं मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे शोरूम में आज 300 से लेकर 400 फिशेस, मरीन फिशेस हैं, और पुराने फिशेस अगर शो टैंक के मान लें तो ओवर 500 मरीन फिशेस हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 500 नंबर मरीन फिशेस और अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 वैरायटी ऑफ मरीन फिशेस, ये शायद ही कलकत्ता में किसी के पास है, शायद ही वेस्ट बंगाल में किसी के पास है, शायद ही इंडिया में किसी के पास है, हो सकता है अगर मेरी जानकारी के ऑन बिहाफ किसी के पास हो, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है शायद ही किसी के पास है। तो आप मेरे शोरूम में आओगे तो हमारे जो 40 मरीन टैंक्स है, 40 के 40 मरीन टैंक में आपको फिशेस भरे मिलेंगे, और आपको जो भी फिशेस चाहिए, जो भी फिशेस चाहिए आप मरीन के, जो भी फिशेस चाहते हो, आपके लिए सुइटेबल हो, वो सारे फिशेस आज हमारे शोरूम में मौजूद है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा करते हैं, अंत तक देखने के लिए देखिए, हमारे साथ बने रहिए, सारे फिशेस को देखिए, और सबसे बड़ी बात है इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपका कुछ रिस्पॉन्स हो या रिव्यू हो या आपका कुछ थिंकिंग हो तो कमेंट कीजिए, ताकि हम आगे अपने आप को अपडेट करते रहें। चलिए लेट्स सी, हम ये पहला 4 बॉक्स ड्रिपिंग करेंगे, उसके बाद बाकी के बॉक्सेस ड्रिपिंग करेंगे। आज के शिपमेंट का जो पहला फिश मैं छोड़ने जा रहा हूँ, बहुत दिन से बहुत लोगों का वेटिंग था, आजू डैमसल, इट्स येलो वैली डैमसल, इट्स आजू डैमसल, आज बहुत सारे आजू डैमसल्स हैं हमारे पास, अगर आजू डैमसल के लिए दीजिए शॉप, आजू डैमसल नहीं दे, ये है हमारा एक और सेट आजू डैमसल्स के, तो सर्दी के समय ड्रिपिंग में थोड़ा दिक्कत होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना, लेकिन फिर भी हम आज ये सक्सेसफुली करेंगे। ये रहा हमारा एक और आजू डैमसल का सेट, हमारे पास आज काफ़ी सारे आजू डैमसल्स हैं,
काफ़ी सारे अजूटेंसल्स है। हमारा जो आज नेक्स्ट प्लॉट है फिश के, वो है हम्बक डैमसल या फोर्स टाइप डैमसल, लोग इसे फोर्स टाइप डैमसल भी कहते हैं, हम्बक डैमसल। बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के, बहुत अच्छे वैरायटी के डैमसल्स हैं। आज शुरुआत हम डैमसल से कर रहे हैं। ये कोई भी अगर रीफ में रखना चाहे या छोटा मेरीन टैंक में, बहुत अच्छे डैमसल्स के वैरायटी मिलेंगे। वर्षा इलेक्ट्रिक ब्लू ब्लू थे, इलेक्ट्रिक ब्लू ब्लू देखिए, पार्कुलर ब्लू देखिए। नेक्स्ट हमारा जो आज आइटम है डैमसल्स का, वो है इलेक्ट्रिक ब्लू डैमसल। इस डैमसल का मैजिक ये है कि अभी देखिए ब्लैक, अभी हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक ब्लू कलर। देखिए कलर कैसे चेंज कर रहा है, किस तरह से ये ब्लैक से चेंज करते हुए कलर हो गया। मैं फिर से दूसरा वाला डाल रहा हूँ, अब देखिए इस कलर से ये इलेक्ट्रिक ब्लू कलर कितना ट्रांसफॉर्म कर लेगा अपना कलर। ये है इसका ओरिजिनल कलर, इलेक्ट्रिक ब्लू डैमसल। इट्स वेरी हार्डी, वेरी हार्डी। ये ऑरेंज टेल इलेक्ट्रिक ब्लू डैमसल है। आज हमारे पास काफी सारे ऑरेंज टेल इलेक्ट्रिक ब्लू डैमसल्स हैं। बहुत एग्जॉटिक वैरायटी के डैमसल्स हैं आज। वन बाय वन हम ड्रॉप कर रहे हैं। आज टीम थोड़ा मुझे कोऑपरेट कीजिए। वाह, आफ्टर ऑल फाइनली इट्स नीमो, इट्स टाइम फॉर नीमो। फ्रेंड्स फाइनली यही वो फिश है जिसके ऊपर वो मूवी बना था नीमो। ये है ओरिजिनल ट्रू पर्कुलर क्लाउड, जो प्योर ऑरेंज कलर के होते हैं। दिस इज द ओरिजिनल ब्रीड ऑफ नीमो, जो देखकर आज मेरिन इतना पॉपुलर, इतना क्रेजी हुआ है। आज हमारे पास बहुत सारे नीमो हैं और प्योर ओरिजिनल कलर के, ऑरेंज कलर के हमारे पास बहुत सारे नीमो हैं। बहुत सारे नीमोस हैं। बहुत लोग बहुत दिन से ओरिजिनल नीमो मांग रहे थे, ऑरेंज कलर के पर्कुलर क्लाउन टू पर्कुलर। तो आफ्टर मुझे काफ़ी दिन बाद, या कहूँ काफ़ी साल बाद मुझे मिला इतने सारे। आज मैं एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन एनर्जी लेवल थोड़ा कम है। मैं बोला काफ़ी मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम है और काफ़ी माइग्रेन का पेन हो रहा है। और जो जिसका माइग्रेन का पेन होता है वो जानता है कि माइग्रेन के पेन होते हुए भी काम करना कितना मुश्किल होता है, और ये पेन किलर से भी ये माइग्रेन का दर्द नहीं जाता है। आज हमारा बहुत सारे नीमोज मिल गए। नेक्स्ट जो हमारा क्लाउन है वो है रेड पर्कुलर। ये हमारे शोरूम के काफ़ी पॉपुलर क्लाउन है रेड पर्कुलर, बहुत लोग मांगते हैं रेड पर्कुलर। अब देखिए ये ऑरेंज टू पर्कुलर और रेड पर्कुलर में जो डिफरेंस है, ये भी प्योर रेड कलर का है। नेक्स्ट एक्सक्लूसिव और एक क्लाउन है, वो है पाया क्लाउन। यहाँ पर हमारा पाया क्लाउन भी आ जाता है। बहुत वाइब्रेंट कलर के फिशेस आए हुए हैं, एक बार चेक करके चला।
ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन बाइकलर एंगल, इट्स लवली एंड इट्स ब्यूटीफुल, वन ऑफ माय फेवरेट अगेन बाइकलर एंगल। बहुत दिन से लोग मांग रहे थे बाइकलर पैरो, ये कलर आप बस देखिए, व्हाइट के ऊपर हाफ ऑरेंज और व्हाइट, इट्स एक मैग्निफिशेंट कलर कॉम्बिनेशन ऑफ बाइकलर पैरो। एक छोटा साइज का है, एक बड़ा साइज का है, बाइकलर पैरो, इट्स लवली कलर कॉम्बिनेशन। ऐसा कलर कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ मेरिन में ही मिलेगा। आज का जो एक्सक्लूसिव एंगल है वो है मैजेस्टिक एंगल, ब्लू ग्लिटर्ड एंगल। काफी दिन बाद इस साइज का, इस क्वालिटी का मैजेस्टिक एंगल मिला है। आप देखिए इसका जो कलरेशन है, कोई भी फिदा हो जाएगा इस मैजेस्टिक एंगल में। हम हमारे पास एक नहीं, दो दो मैजेस्टिक एंगल है। Just look at the color, the size, and the getup of this fish. Next, हमारे पास आज काफी सारे diamond butterfly हैं। जिसे pyramid butterfly भी कहते हैं। आज बहुत सारे हमारे pyramid butterfly के collections हैं। बहुत 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 बढ़िया क्वालिटी के कुछ पिरामिड बटरफ्लाई हैं, यू कैन से डायमंड बटरफ्लाई। एक और स्पीसीज ब्लैक वेलवेट एंजल, ये ब्लैक वेलवेट या ग्रे पुमा एंजल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रीगल एंजल, वाओ, इट्स वेरी गुड साइज एंड वेरी ब्राइट कलर। ये नॉर्मल रीगल एंजल नहीं है, ये येलो बेली रीगल एंजल है। अगेन वी हैव अनदर रीगल एंजल, बहुत अच्छे साइज, बहुत ही अच्छा साइज और कलर। आप सिर्फ देखिए इसका जो स्ट्राइप है, इसका जो कलर है, इट्स अमेजिंग। नाउ इट्स ब्लू लिपस्टिक एंजल, वी हैव अनदर ब्लू लिपस्टिक एंजल। एक और हमारा जंबो साइज का ब्लैक वेलवेट एंजल। आज हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ क्वालिटी के एंजल्स हैं। अब आते हैं हमारे रैबिट ग्रुप में, ये है फॉक्स फेस। जैसा कि आप जानते हैं फॉक्स शुरुआत में कलर चेंज कर लेता है, धीरे धीरे येलो हो जाता है, तो आज हमारे पास काफी सारा येलो फॉक्स है और मैग्निफिशेंट फॉक्स भी। ये रहा मैग्निफिशेंट फॉक्स या यू कैन से रेड फॉक्स, बहुत बहुत बढ़िया साइज
लवली साइज और मैग्निफिशेंट बॉक्स। आज हमारे पास एक जंबो साइज का ग्रीन बर्ड नोज रैश है। ये मेरा बहुत फेवरेट फिश है, ग्रीन बर्ड नोज रैश। काफी बड़ा साइज, बहुत वाइब्रेंट कलर का ग्रीन बर्ड नोज रैश। बहुत बढ़िया साइज का मेरून क्लाउन। ये रहा हमारा एक और मेरून क्लाउन। अब आते हैं हमारे इस मीटिंग बॉक्स में। बहुत और बढ़िया मेरून क्लाउन है, रेड पर्कुलर भी है, प्योर रेड कलर का। इतना अच्छा कलर, प्योर प्योर रेड कलर का। आज मैं काफी ढीला ढाला सुनाई दे रहा हूँ शायद। चलिए आ गया है हमारा डोरी रिगल टैंक। आज हमारे पास बहुत बहुत सारे रिगल टैंक्स हैं और एकदम परफेक्ट हेल्थ परफेक्ट कंडीशन के साथ। परफेक्ट हेल्थ कंडीशन के साथ बहुत सारे रिगल टैंक्स हैं। थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट जरूर है लेकिन आफ्टर ड्रिपिंग ये सारे फ्री हो जाएंगे। इतने लोग मुझसे रिगल टैंक मांग रहे थे, आज सारे लोगों को रिगल टैंक मिल जाएंगे। आज हमारे पास ग्रुप ऑफ ये रिगल टैंक्स है, बहुत सारे रिगल टैंक्स हैं। ये आ जाता है हमारा आज पैसिफिक सेल्फिन टैंक। काफी दिन बाद ये फिश भी आया है अच्छा साइज का। ये है पैसिफिक सेल्फिन टैंक। एक और पैसिफिक सेल्फिन टैंक। अब आ जाते हैं हमारा जंबो साइज का वाइट चिक टैंक। इसके मुंह में ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं वाइट चिक टैंक। ये बहुत बहुत रेयर स्पेसिमेन है। ये रहा हमारा एक और वाइट चिक टैंक। गोल्ड रिंग टैंक भी कहते हैं। ये रहा हमारा एक और टोमिनो ब्रिसल टूथ टैंक। आपने शायद ही कभी इतना बड़ा टोमिनो ब्रिसल टूथ टैंक देखा होगा। आप सिर्फ देखिए इसका इतना अच्छा कलर है और साइज तो ऑसम है। नेक्स्ट है हमारा स्कोपस टैंक। आज टैंक का भरमार है, एंजल्स के भरमार है, क्लाउंस और डैमसल्स के भी भरमार है। यह स्कोपस टैंक। ये रहा हमारा अगला ब्लॉन्ड नेसो टैंक या लिपस्टिक नेसो टैंक।
मेरा हमारा एक और लिपस्टिक लैपटॉप है। हमारे पास काफी सारा पाउडर ब्लू है, काफी काफी सारे पाउडर ब्लू है। ये पाउडर ब्लू टैंक आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये वाला पाउडर ब्लू टैंक वन ऑफ द मोस्ट रेयर स्पेसिमेन है। ये है बाइकलर पाउडर ब्लू टैंक। पाउडर ब्लू और पाउडर पर्पल दोनों कलर इसमें है। ये हाफ पाउडर ब्लू का है और हाफ पाउडर पर्पल का है। ये बाइकलर पाउडर ब्लू टैंक और या पाउडर पर्पल टैंक भी आप कह सकते हैं। आज हमारे पास पाउडर ब्लू पाउडर पर्पल दोनों है। हमारे पास बहुत छोटे साइज के रिगल टैंक हैं, टाइनी रिगल टैंक। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कितना क्यूट टाइनी रिगल टैंक है। ये रहा हमारा एक और टाइनी रिगल टैंक। यहाँ पर हम कुछ फिशेस जिसे ड्रिपिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एकदम ठंडे पानी का ये टैंक है, तो बस थोड़ा सा फिशेस है इसे और ड्रिपिंग नहीं करेंगे, इसे जस्ट सीजन करके हम छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पर हमारा बाइकलर एंजल भी है, मैंडरिन भी है, बहुत अच्छा स्पॉटेड मैंडरिन गोभी भी है, रेड मैंडरिन, ग्रीन मैंडरिन, सारे ये फिशेस भी हैं। ये सारे फिशेस थोड़ी देर बाद 2-3 घंटा ड्रिप हो जाने के बाद ये सारे फीचर्स हम अपने रेस्पेक्टिव टैंक में छोड़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, आज हमारा 2 पार्ट में ड्रिपिंग होगा। तो पहला पार्ट का ड्रिपिंग, पहला पार्ट का फीचर्स हम टैंक में रिलीज कर देंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट का ड्रिपिंग स्टार्ट करेंगे। ये ऐसा इसलिए है ताकि फीचर्स को हम पूरे फोकस के साथ उसके अलग अलग टैंक में दे सकें और पानी में भी कोई कंटामिनेशन ना हो, क्योंकि अलग अलग फिशेस, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग जोन के फिशेस हैं। अलग अलग वैरायटी, अलग अलग जोन के फिशेस, अलग अलग पानी, अलग अलग टेम्परेचर में रहते हैं। तो हम यहाँ पर बहुत सेफली, बहुत हेल्दी वाइज, बहुत टेक्निकली हम यहाँ काम करते हैं और सारे फिशेस को मेंटेन करते हैं। इवन आप देख सकते हैं कि सारे टैंक में टेम्परेचर मेंशन है, डेंसिटी मेंशन है। हम अपने सारे टैंक में टेम्परेचर, किस टैंक में कौन सा टेम्परेचर है, किस टैंक में कौन सा डेंसिटी है, ये सारे हमने लिखा हुआ है। सो दैट कौन से फिशेस को कौन से टेम्परेचर में छोड़ने से ठीक रहेगा और कौन से फिशेस को किस में छोड़ने से ठीक नहीं रहेगा, उसके हिसाब से हम सारा रिलीज करेंगे। A few inches later, I'm getting very, very tired. आज हमारा सेकेंड राउंड का ड्रिपिंग स्टार्ट होने जा रहा है। अभी सेकेंड राउंड का अनबॉक्सिंग हो रहा है फिशेस, तो अनबॉक्सिंग होके इधर आके अभी सेकेंड राउंड का डिपिंग करेंगे हम लोग। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आज 2 राउंड में होगा। पहला राउंड का फिशेस मैंने अंदर के रूम में छोड़ दिया, सेकेंड राउंड का फिशेस इस रूम में छोड़ा जाएगा। तो आज हमारे पास बहुत 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 सारे फिशेस हैं और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, डिस्पाइट ऑफ माई माइग्रेन। देन ओनली I must say, my work is my passion. और passion में we can stretch our limit as I am doing. And it's my responsibility, it's my duty. So I can't able to sleep, I can't able to wait. छोटा
टुडे वी हैव लॉट्स ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे कारपेट एनिमल हैं, फ्लोरोसेंट ग्रीन कारपेट, येलो कारपेट, बहुत बहुत सारे कारपेट्स हैं। रेड वॉलिकैंस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बहुत दिन बाद बहुत रेयर ये लायन मिला मुझे, रेड वॉलिकैंस। नेक्स्ट क्या है? जंबो साइज का एम्परर एंजल। कंप्लीटली ब्लू कलर के लूनर रश, या पिंक फेस रश भी कह सकते हैं इसे। इट्स वेरी गुड ब्लू लूनर रश। ये है बहुत सारे डॉक्टर रश। लेमिंगी नेसो टैंग, इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस लेमिंगी नेसो टैंग। क्वीन कोरी स्लैश, अ बिग साइज क्वीन कोरी स्लैश। येलो टेल एंजल, बनाना रश,